हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इग्नू में अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे, जब आप अपना एडमिशन कैंसिल करोगे तो जो भी आपने एडमिशन की फ़ी पे की है उसका रिफंड आपको कैसे मिलेगा, और कौन सी वो बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो जो भी आपने फ़ी पे की है उसका कंप्लीट रिफंड आपको मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, ये है इग्नू का एडमिशन पोर्टल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि आपने एडमिशन के टाइम इसका यूज़ किया होगा। तो जब आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो भी इसी का यूज़ करना है। पर इससे पहले कि आप एडमिशन कैंसिल करो, उससे पहले ये जान लेते हैं जो भी आपका फ़ी का रिफंड होगा वो आपको किस प्रकार से मिलेगा और कौन सी वो कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से जो आपका फ़ी है उसमें कुछ डिडक्शन किया जाएगा। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जब आपने इग्नू में एडमिशन लिया होगा तो उसके लिए आपने एक रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके लिए आपने 300 रुपये पे किए होंगे और उसके साथ ही आपने एक एडमिशन फी पे की होगी। वो सभी प्रोग्राम्स की अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं बीए की, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीए में एडमिशन लिया होगा उन्होंने टोटल 3,800 रुपये पे किए होंगे एडमिशन फी के तौर पे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फी है यानी कि जो ये 300 रुपये हैं ये तो आपको वापस मिलेंगे नहीं, और जो आपकी एडमिशन फ़ी है ये आपको वापस मिल सकती है और ये आपको पूरी की पूरी वापस मिल सकती है, और इसमें कुछ कटौती भी हो सकती है। उसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए वो बातें कौन सी हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगी। और मैं अगर आपको बताऊं कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पूरी की पूरी फ़ी आपको रिटर्न हो जाती है एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद भी, उसमें जो एडमिशन की लास्ट डेट होती है आपको उससे पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना होता है। यानी मान लीजिए जो अभी एडमिशन की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, तो अगर आप इस 31 जुलाई से पहले पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो आपने जो भी अपने एडमिशन के लिए टोटल फ़ी पे की है वो आपको पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। तो ये तो हमने बात की उस कंडीशन की जिसमें आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, और अब बात करते हैं उस कंडीशन के बारे में जिसमें कि आप लास्ट डेट बीत जाने के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करवाएंगे। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। पहली, लास्ट डेट जाने के बाद अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो उस केस में आपके सिर्फ 500 रुपए काटे जाते हैं। और अब बात की जाए नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो बीत चुकी है और उसे बीते 15 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है पर अभी 30 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो उस केस में जो भी आपकी एडमिशन फी होगी उसमें से टोटल 1,000 रुपये काटे जाएंगे और बाकी के आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अब आती है लास्ट कंडीशन जिसमें कि आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद, और वो कब होगा, अगर लास्ट डेट जाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर भी आपने अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवाया तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको भी अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो थोड़ा इसे टाइम से कैंसिल करवाना ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं जो एडमिशन कैंसिल करवाने का तरीका है वो क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पर आना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके लिए आपका जो यूज़र नेम है वो एंटर करना है, देन पासवर्ड, और लास्ट में यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, फिर आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे आना है। होम से जो अगला ऑप्शन है माई एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन समरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपका कंट्रोल नंबर मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और नीचे आप देख पाओगे एडमिशन स्टेटस, और यहाँ पे जो एडमिशन स्टेटस होगा वो एडमिशन कंफर्म का भी हो सकता है और फ्रेश एडमिशन का हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस में आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपको वेट करना है कि कब मेरा एडमिशन कन्फर्म होगा और उसके बाद ही मैं कैंसिल करवाऊंगा या करवाऊंगी। और फिर आपको लास्ट में सबसे नीचे यहाँ पे कैंसिल एडमिशन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल एडमिशन पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप कैंसिल एडमिशन पे क्लिक करेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलेगा, प्लीज कॉन्टैक्ट इग्नू फॉर एडमिशन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट थ्रू पोर्टल इज डिसेबल्ड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली यही है, जिन भी स्टूडेंट्स को ये शो हो रहा है उनको अपने रीजनल सेंटर जाना होगा एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए। तो जब आप वहां पे विजिट करोगे तो आपको क्या करना है, एक सिंपली लेटर लिखना है एडमिशन कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, वो आपका वहीं से एडमिशन कैंसिल कर देंगे। और जिनका यहां से हो रहा है तो अच्छी बात है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए अपने रीजनल सेंटर पर विजिट करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप अपने रीजनल सेंटर जाओगे एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए और उनको एक लेटर सबमिट करोगे तो उसमें ये नहीं होगा कि जैसे ही आपने लेटर दिया आपका एडमिशन बिल्कुल साथ के साथ ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और टाइम कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल 7 to 14 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, आपको इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, मैंने वर्किंग डे बोला है। तो इसमें आप सैटरडे संडे को काउंट मत कर लेना, और सैटरडे संडे के साथ ही अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है उसको भी आपको काउंट नहीं करना है। और अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका एडमिशन कैंसिल हो
चुका है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, जो आपकी एप्लीकेशन समरी है वो ओपन करनी है। तो जब आपका एडमिशन कैंसिल होगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे एडमिशन स्टेटस कैंसल्ड, और उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख पाओगे कैंसल एडमिशन अप्रूव्ड, यानी कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव्ड हो चुकी है। और अब बात करते हैं रिफंड के बारे में, वो आपको कितने दिन में मिलेगा और कैसे मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना है। तो लर्नर जो रिफंड का टाइम भी होता है वो भी 7 to 14 वर्किंग डेज का होता है। एक बार आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए उसके 7 से लेके 14 वर्किंग डेज के अंदर आपका रिफंड उसी मेथड में आपको वापस मिल जाता है जिस मेथड से आपने पे किया है। यानी कि अगर आपने UPI से पे किया तो UPI में वापस जाएगा, और अगर आपने उसको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मेथड से पे किया है वो उसी मेथड में आपको वापस मिल जाएगा। पर इन केस जो भी टाइम पीरियड है वो बीत जाने के बाद भी वो आपको वापस नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, इसी एडमिशन वाले पोर्टल पे आना है, और यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में नजर आ रहा होगा हेल्प डेस्क, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हेल्पलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर मिलेंगे, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब आप इनको डायल करोगे या तो ये मिलेंगे नहीं, इनकेस अगर आपकी कॉल लग गई तो ये उठाएंगे नहीं, अगर इन्होंने कॉल उठा ली तो इसका मतलब आप किस्मत वाले हो। तो कॉल्स को रखते हैं साइड में, जो आपको मेथड यूज करना है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपको एक मेल आईडी नजर आ रही होगी csrc@ignu.ac.in, आपको इस पे मेल करना है अपनी एडमिशन फी के रिफंड के रिगार्डिंग। और जब आप इनको मेल करोगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जरूर अटैच कर देना उसमें, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड अटैच कर देना। और मेल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2-3 दिन वेट करना है मेल के रिप्लाई का। अगर 2-3 दिन में मेल का रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, उसके बाद आपको फिर से मेल करना है, और जब आप सब्जेक्ट डालोगे मेल का उसके स्टार्टिंग में ही आपको डालना है reminder 2। तो ऐसे ही आपका अगर 2-3 बार रिप्लाई नहीं आता तो आपको क्या करना है, अपने रीजनल सेंटर पे जाना है, वहाँ पे उनसे बात करनी है जो भी आपकी फ़ी है उसका रिफंड आपको अभी तक क्यों नहीं मिला। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इग्नू में थोड़ा रिफंड मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके एडमिशन कैंसिलेशन से रिगार्डिंग कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और लास्ट में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।